नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दिव्या अनेजा। जब भी मैं आपके साथ आती हूँ, जब भी मैं आपके रूबरू आती हूँ, कुछ खास सितारों को जरूर लेकर आती हूँ। जी हाँ, आज भी मैं आपके अपने चहेते सितारों को आपके बीच लाई हूँ, लेकिन खास बात है उसमें भी। एक खास बात यह है क्योंकि कहानी ऐसी है, एसपी चौहान, ये वो कहानी है जो आप देखने के बाद खुद कहेंगे कि ये कहानी अभी तक आपके सामने क्यों नहीं आई, इस पर अभी तक कहानी बनाने का या फिल्म बनाने का किसी ने क्यों नहीं सोचा। तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम ज़ाया ना करते हुए सीधा आपको मिलवाना चाहूँगी इस फिल्म की स्टारकास्ट से। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि हमारे बीच में है मेरे खुद के फेवरेट यशपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका। एसपी चौहान जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है चौहान जी आपका भी। और इस फिल्म को आपके बीच लाने वाले प्रोड्यूसर्स, जिनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता, वो भी हमारे साथ हैं। मयंक राघव जी और हंस राज जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। सबसे पहले तो मैं एसपी चौहान जी आपसे पूछना चाहूँगी, कैसा महसूस हो रहा है, ये पल कैसा है आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी पर वो कहानी लोगों तक पहुँचाने का अब समय बहुत करीब आ गया है। क्या लगता है लोगों को, कैसा लगेगा आपकी कहानी देख कर? मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा जी, जिन्होंने इस कहानी को, इस पिक्चर को आप दुनिया तक लेके आने में हमारी मदद की है जी। वो सब धन्यवाद के पात्र हैं जी। और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का एहसास तो हो रहा है कि अगर ये कहानी मेरी ना होती जी, किसी और की होती, तो मैं खुल के कह पाता कि इट इज़ द बेस्ट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। पर क्योंकि ये मेरी स्टोरी है तो इसलिए मैं ऐसा कहने में सक्षम नहीं हूँ। पर ये कहानी एक किसान जो कि बहुत निहायत गरीब है, एक ऐसे ठाकुर गरीब किसान के घर एक बच्चे की कहानी है जी। जो जन्म से ही ये समझता है कि जो नशा है जी, जो शराब है, बीड़ी सिगरेट है, किसी तरह का भी नशा है, वो मानवता के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल, वो हमारी प्रोग्रेस को रोकता है। बिल्कुल, वो हमारी हर तरह के विकास को रोकता है। तो ये मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूँगा और जिन महापुरुषों ने मुझे शिक्षा दी, जिनको मैंने पढ़ा, मैं उनका आभारी, उनका धन्यवाद करूँगा, उन महापुरुषों का जी। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी, जी, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, कबीर साहब, मैंने इन सबको पढ़ा है, इन महापुरुषों को, और वहीं से मेरे विचारों में ताकत आई, मैं ये कर पाया। तो इसलिए ये सारा जो ये पिक्चर हम देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे सर पे रहा है, तभी ये जीवन आप सार्वजनिक हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल हकीकत बयां की है। यशपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब भी मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा था, उसमें एक डायलॉग आया, एक बच्चा कहता है कि पापा अगर शराब नहीं, अगर शराब इतनी बुरी चीज़ है तो पापा उसे क्यों पीते हैं। ये हमारे घर घर की कहानी है। अगर हम स्पेशली पंजाब हरियाणा की बात करें, घर में माँ बाप बैठते हैं, खास तौर पे मैं पिताजी की बात करूँगी, वो बैठते हैं, बच्चों के सामने भी पीते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारे फादर साहब भी तो पीते थे, क्या बुराई है इसमें? नहीं, देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। बच्चों के हीरो होते हैं पापा। बिल्कुल, मतलब जस्ट मोस्ट पावरफुल पर्सन इज पापा उनके लिए, बिकॉज तो मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें से एक बच्चा ऐसा भी है कि इसके एसपी चौहान के बाप, ताऊ, चाचा सारे दारूबाज थे, पूरा दिन ताश खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, कई एक मर्डर भी हुआ, एक की डेथ भी हुई दारू की वजह से, लेकिन उनके बीच में से एक बच्चा ऐसा भी निकला। बिल्कुल, जिसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, जिसने आज तक मांस नहीं खाया, जिसने कभी इस तरीके के, हमेशा सच्चाई ईमानदारी की राह पर चला, तो उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो और मुझे लगता है कि ऐसा ही हो तो भगवान करे सब जगह ऐसा ही हो और ऐसे ही लोग निकले तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे और भी सवाल करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं प्रोड्यूसर से ये जानना चाहती हूँ इस फिल्म के, मयंक जी से और हंस राज जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों को ऐसा क्या इस कहानी में दिखा कि आपने खुद को इस कहानी के साथ जुड़ा हुआ महसूस किया?
हम देखते हैं कि आज के टाइम जो समाज के अंदर गिरावट आई हुई है उसको देखते हुए कि ऐसी फिल्म की जरूरत थी जिसमें शिक्षा भी मिले, पूरा परिवार देखे साथ जी, और उसमें मनोरंजन भी हो, मनोरंजन भी है इसमें, शिक्षा भी है जी। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि आज के जो समाज में जो गिरावट आई उसको उत्थान के लिए उसको पूरा करते दिखाती है कि आज हमारा समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे बच्चे कैसे सोचने चाहिए, बड़े कैसे सोचने चाहिए और युवा कैसे सोचना चाहिए, वो सारी चीज इसके अंदर है। उसके साथ साथ इसमें अच्छा संगीत भी है जी। इसलिए जरूरत पड़ी कि एक अच्छा जब फिल्म आती है तो एक बायोग्राफी पे पहली ऐसी फिल्म बनी है जो आपको मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देगी। जी जी बिल्कुल। नहीं स्टिल मैं आपने जैसे कि बताया कि इस फिल्म में आपने काफी कुछ एड ऑन किया है, लेकिन आजकल की अगर मैं खासतौर पर यूथ की बात करूं है ना, आजकल ऐसी फिल्में आ रही हैं जो अपने फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, हमें अकेले अकेले जाकर देखना होता है चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है लोग पहुंचेंगे थिएटर में, पहुंचेंगे इसे देखने के लिए? बिल्कुल, मेरा पूरा विश्वास है इसमें थिएटर पे जरूर पहुंचेंगे। क्यों? इस कंटेंट बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो स्टोरी है बहुत अच्छी है, हर एक को जो देखेगा और उसको दिल को छुएगी। हम समाज में कैसा व्यवहार चाहते हैं, कैसा अपने आप को स्टैंड करना, एक किसान का बेटा बिल्कुल छोटे से उसमें उम्र में इतनी ऊंचाई को छूता है, कैसे अपने आप को बढ़ाता है और आज सबसे ऊपर पहुंच जाता है, सिर्फ गिरावट ना करते हुए भी ईमानदारी पे चल पे भी आज बहुत बड़ा इंसान बन सकता है जी। उसके ऊपर ही ये फिल्म बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि ये मुद्दा आप लोगों ने उठाया है किसानों पर और मतलब उनके परिवार की एक सच्चाई दिखाई है, अगर हम आज की हकीकत भी बात करें तो किसानों को लेकर बोलना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है जो हमें खाना भी देता है, हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं आती है आई थिंक। तो एसपी जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस फिल्म से लोग क्या सीख लेने वाले हैं? सबसे पहली तो यही सीख है इसमें कि बिना गिरावट के भी आदमी सफल जीवन जी सकता है जी। हालांकि हमारे से पहले भी महापुरुषों का जबरदस्त एग्जाम्पल है कि उन्होंने सत्यता की राह पे चल के, पवित्रता की राह पे चल के उन्होंने एक सफल जीवन जिया और दुनिया में नाम कमाया जी। मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि सच के रास्ते पे हमारे सामने एग्जाम्पल है, न्यूटन सत्यता पे चले तपस्या की, आइंस्टाइन सत्यता पे चले जी। हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, सब सत्यता पे चल के आज दुनिया में उनका नाम है, उन्होंने हर वो चीज पाई है जो एक मानव सपना देख सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि गिरने की जरूरत कहीं लगती नहीं कुछ पाने के लिए। इस पिक्चर का थीम भी ये है कि बिना गिरे, बिना स्मगलिंग, बिना चोरी, बिना ठगी भी एक आदमी अमीर भी बन सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है जी। जितना बड़ा चाहे, सत्यता के मार्ग में सबसे ज्यादा ताकत है जी। आज समाज शायद रास्ते से भटक गया है, शॉर्टकट मारने लगा है जी। इसलिए बल्कि हम देखते हैं कि पैसा आ जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, बड़े बड़े महल आ जाते हैं, परंतु अंदर से गरीब हो जाता है। अगर आप बहुत सारी परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जहां सब तरह के साधन हैं, करोड़ों रुपया जमा है बैंकों में, आप उनके साथ दो घंटे रह के देखेंगे आप कहेंगे ये सबसे ज्यादा गरीब है, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, आपस में विश्वास नहीं है, एक जगह बैठ के खाना नहीं खा सकते, दो घंटे इकट्ठा नहीं बैठ सकते, तो इसको आप क्या कहोगे, गरीबी आई कि अमीरी आई? इसके उलट जिन लोगों पे बहुत कम पैसा है, बहुत कम साधन है, परंतु उनमें प्यार मोहब्बत है, उनमें जज्बा है, उनमें सच्चाई है, किसी के प्रति उनके मन में कटुता नहीं है, किसी के प्रति उनमें नफरत नहीं है, क्योंकि उन्हें झूठ का पैसा नहीं कमाया। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने झूठ के रास्ते पे चल के कमाई नहीं की। जैसे मुझे वो उदाहरण याद आता है गुरु नानक देव जी का जी। कि एक अमीर के घर का, राजा का घर का, और एक गरीब के घर का, एक तरफ से अमृत टपक रहा था जो गरीब के घर का था, और एक तरफ खून टपक रहा था जो अमीर के घर का था। ये एग्जाम्पल हमारे महापुरुषों ने दिए हैं पहले से ही, पर हम फिर भी इस भागदौड़ की दुनिया में विचलित हो गए हैं। और सच जब हम दुनिया को देखते हैं, पूरे समाज को देखते हैं, ज्यादातर लोग जी। अंदर से इतने दुखी हैं, इतने टूटे हुए हैं कि उनको सोने के लिए नशे करने पड़ते हैं, शराब पीनी पड़ती है, तरह तरह के नशे लेने पड़ते हैं। तो जो सो भी नहीं सकते, सोने के लिए उनको सहारा चाहिए, तो काहे की अमीरी,
क्यों ना हमारे साथ आओ, सत्यता के पथ पे चलते हैं जहाँ बहुत आनंद है, जहाँ बड़े सुख हैं, बड़ा सुकून है। हमने म्यूजिक भी दिया है जो इस पिक्चर में जी। वो पूरी तरह रूह को आपके सुकून देगी, आपके अंतरात्मा को सुकून देगी, आपके मन को जी। आजकल हम कई बार ये भी कमेंट करते हैं कैसा म्यूजिक आ गया, ये हमारा म्यूजिक है ही नहीं, ये तो थकों को और थकाता है जी। आदमी म्यूजिक तब सुनता था जब वो सारा दिन की काम में थक जाता था, तो म्यूजिक लगाता था और इतना मजा आता था। आज उल्टा म्यूजिक लगाओ थकावट में और थकावट ऐड हो जाती है। हमारा एसपी चौहान मूवी का जो म्यूजिक है वो आपने शायद सुना भी होगा यूट्यूब पे, बिल्कुल इतना प्यारा म्यूजिक है, वही आपको याद दिला देगा 90 के 80 के दशक की जी। उसमें पलक मुच्छाल ने गाया है जी। उसमें रंजीत बाबा ने गाया है, उसमें सोनू निगम ने गाया है, हर्षदीप ने गाया है, सुनिधि चौहान ने गाया है जी। और क्या प्यारा म्यूजिक है। जैसे आपका सवाल था कि लोग क्या रुखी सुखी पिक्चर देखने आएंगे सिद्धांतवादी, ये हमने नई चीज पेश की है। इसमें सिद्धांतों का पैरा दिया गया है और मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बेहद सही बातें कही, मैं कहूँगी एकदम सच्ची चीज़ें और जो दिल को छूने वाली चीज़ें हैं। यशपाल जी, इस फिल्म में मतलब मैंने देखा डिटेलिंग बड़ी दी हुई है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बखूबी तरीके से दिखाया गया है, चाहे वो रिश्तों में नोकझोंक हो। जैसे एक आपकी फिल्म की शूटिंग का मैंने डायलॉग देखा कि जिमी जी आपको आके कहते हैं कि बाहर के लोगों की वजह से आप अपने बेटे पर भरोसा नहीं करते, उनके खिलाफ। कहीं ना कहीं हकीकत भी यही है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे अगर घर में ही तनाव चल रहा है वो बाहर के लोगों की वजह से है। तो लगता है कि ये चीज़, ये जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों के दिल तक छुएंगी। बिल्कुल छुएंगी। देखिए, सारे मुद्दे जो हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं, आज के हैं, और जो समस्याएं हैं, चाहे वो नशे की समस्या है, चाहे वो जात पात की समस्या है, चाहे वो स्त्री के रिस्पेक्ट की समस्या है फीमेल की, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। और बहुत, चाहे पैट्रियटिज्म हो, देशभक्ति का मामला हो, कोई भी बड़ों की रिस्पेक्ट का मामला हो, इसमें सारे मुद्दे एकत्र हुए हैं, गागर में सागर भरने की कोशिश की है। जैसे इनकी लाइफ है एसपी चौहान की, वैसे ही फिल्म है। तो मुझे लगता है कि जो वो आपने डायलॉग सुना है उसका बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो है, मैं पिता जो है वो एक तो दलितों के खिलाफ है, कोई पानी तो क्या परछाई भी नहीं गुजर सकती घर के आगे से, अच्छा इतना खिलाफ है वो, पूरा खानदान ठाकुर खानदान, और ये उनके घर जाके खाना वाना खाते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके तो ये पूरी खानदान की परंपरा को इन्होंने तोड़ा एसपी चौहान ने। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा था उस वक्त का। तो मुझे लगता है कि वो जो डायलॉग है कि, और ये उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, ये उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, और हमारे ही खिलाफ केस है, उन बाप का साथ ना देकर के गरीबों का, दलितों का साथ दे रहे हैं ये एसपी चौहान, जो कि एक्चुअल बात है जिंदगी में भी उनकी जिंदगी की, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है कि तुम्हें मतलब भाड़ में जाओ, तुम घर जाओ, लेकिन ये नहीं होगा, वो जमीन हमारी है, हमारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ मामला जी। चौहान साहब, आपने फिल्म देख ली है? हाँ, मैंने देख ली है। आपको जिमी जी को अपने किरदार निभाते हुए देख के कैसा महसूस हुआ? सच में मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर जिमी जी के अलावा मैं किसी और को अपने किरदार के लिए चुनता तो मुझे कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होता। किरदार पूरा होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ परमात्मा ने मुझे और आशीर्वाद दिए हैं जी। ये भी एक आशीर्वाद के तौर पे करेक्टर आया है। जिम्मी जी ने बहुत प्यारे अंदाज में हमारे करेक्टर को निभाया है। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा टाइम रहा शूट का जो आपको लगा कि वाकई ये यही हुआ था मेरे साथ हकीकत में? मतलब पूरी कहानी हकीकत है, लेकिन आपको वो दौर दोबारा से याद आ गया हो, मतलब वो इतना सिमिलर हो? मुझे तो जिम्मी जी को हर वक्त, मैं कहता हूँ 100% वही करते हुए पाया। क्या बात है। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ क्योंकि मैं गवाह हूँ। अच्छा, हमने फिल्म साथ में देखी थी। अच्छा। ये सीमा चौहान इनकी वाइफ और ये भी थे जी। और एक वक्त था जब इनकी वाइफ को डॉक्टर ने बोल दिया था कि 97% चांसेस नो है, सिर्फ 3% चांसेस हैं जीने के अगर ऑपरेशन करना है तो। और ऑपरेशन किया और वो ऊपर वाले की दया से, अच्छे कर्म थे, बच गई।
और जो युविका चौधरी ने जो काम किया है फिल्म में, तो वो फिल्म देखते हुए उस सिचुएशन में मैंने इनकी आंखों में आंसू देखे दोनों की, मैं गवाह हूँ, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए. रियली इट्स क्या समय रहा होगा उस वक्त जब किया होगा. और जिमी ने और उन्होंने इतना प्यारा किया है ना वो सीन, इनकी रिलेशनशिप कमाल की निकल के आई है रियली. बिल्कुल, आपकी बातों से लग रहा है कि हम जब ये देखने वाले हैं फिल्म तो हमारे रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे, मतलब एक एक सीन पे हमारे रोंगटे खड़े होने वाले हैं. खैर इंतज़ार है उस चीज़ का. लेकिन मयंक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस फिल्म के म्यूज़िक को लेकर आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा सिंगर कौन सा गाना गाएगा, या सिंगर्स के साथ कैसे आपकी बातचीत हुई इस फिल्म के म्यूज़िक को लेकर? इस म्यूज़िक इसमें जो मूवी में म्यूज़िक है उसके लिए भी एक मैं आपको स्पेशल बात बताना चाहता हूँ कि वो सारा म्यूजिक वर्ड टू वर्ड एसपी चौहान जी का खुद का डिसाइड किया हुआ है. क्या बात है. और इस मूवी में 100% सच्चाई को और म्यूजिक में भी अच्छाई को दिखाने की कोशिश करी गई है. जिस तरह के वो इंसान हैं उन्होंने उसी चीज़ को सामने लाया है कि एक आदमी निस्वार्थ होके सारी चीज़ें करता है जिस वजह से उसे पूरी नेचर पूरी कायनात सपोर्ट करती है. तो ये इस तरह की कहानी है. इसमें एक एक म्यूजिक एक एक सिंगर को बड़ा सोच समझ के चूज किया गया है ताकि इसमें कोई वल्गर गाना ना आए. तो इस तरह का कोई वल्गर सिंगर या कोई ऐसा इसमें हम आगे नहीं लाए हैं मूवी में. और इसका पूरा स्क्रिप्ट और म्यूजिक उनका खुद का लिखा हुआ एक एक वर्ड दोबारा से डिसाइड करके ही फाइनल किया गया है. जी जी, क्या बात है. हंस जी, क्या आप दोनों जने जब शूट हो रहा था खुद वहां पर मौजूद थे? नहीं, पूरी फिल्म में तो शूट पे नहीं मौजूद थे जी. लेकिन ये पता जरूर है कि बड़ी चंगी फिल्म बनी है जी. बड़ा अच्छा कंटेंट है इसके अंदर जी. पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के देख सकती है जी. और तभी तो संगीत आप देखेंगे, संगीत अब जो आ रहा है संगीत, तो ठीक ठाक जो बहुत जोर से बजता है स्पीकर समझ में नहीं आता, वर्डिंग समझ में नहीं आती, संगीत ऊपर से निकल जाता है सिर के ऊपर से, सिर दर्द करने लगता है. लेकिन इसमें मिठास मिलेगी स्टोरी के साथ साथ, संगीत का भी एक मिठास मिलेगा. इसलिए मैं कह कि पूरी फिल्म है ये फैमिली नाल वेखण नाली है. पूरी फिल्म परिवार बैठ के देख सकता है, कंटेंट भी अच्छा हैगा और मनोरंजन भी होगा और गीत भी अच्छे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. यशपाल जी, कहाँ कहाँ शूट हुआ है इस फिल्म का? देखिए जी, 90% शूट जो है वो करनाल में हुआ है. अच्छा. और मेरे ख्याल 5% शूटिंग दिल्ली की है, बाकी सारी शूटिंग हरियाणा की है. निगदू गांव जो इनका जन्म स्थल है वहीं शूटिंग की है. अच्छा. और करनाल में शूटिंग की है, वहीं के कॉलेज जहां पढ़े ये वो गलियां, वो गांव की गलियां, वो घर, उस तरह का बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा का वैसा, ताकि ऑथेंटिक लगे. ताकि जी जी जी, आप जब शूट पर थे तो वो गांव, आप जैसे कि बता रहे हैं कि हकीकत का वो गांव था, कोई सेट नहीं था, वो इनके ओरिजिनल गांव में जाके की है, तो वहां के जो लोग थे वो नहीं आते थे शूट के दौरान पे देखने के लिए, या आप लोगों को कोई परेशानी उनसे किसी तरह की? नहीं नहीं, अरे उन्होंने तो चार चांद लगा दिए. अच्छा. वो जो ओरिजिनल चेहरे मिले, मतलब ओरिजिनल हरियाणा के जो पगड़ी धारी मूछों वाले. अच्छा. कमाल का, मतलब कमाल, उसमें बिल्कुल रियलिटी आ गई हमारी फिल्म में. तो मतलब वहां के लोकल लोगों से भी आपने बहुत हेल्प ली? बहुत हेल्प की उन्होंने, और निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट इतनी है कि जहां चले जाओ हर घर खुला है इनके लिए, और इनका नाम लो तो मतलब पूरा निगदू गांव ऐसे सर झुकाए खड़ा है, तो कोई तकलीफ नहीं आई वहां पर. क्या बात है. चौहान साहब, एक दौर आता है इंसान के जीवन में जब वो बिल्कुल निराश हताश हो जाता है, लेकिन वो जो दौर होता है बहुत मुश्किल होता है. उसके बाद जो किस्मत बदलती है या कह लें समय बदलता है, वो एक उदाहरण बन जाता है सबके लिए. तो क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि किस्मत बदलती है अगर हिम्मत करें? हाँ बिल्कुल. और ये जो पिक्चर है, ये जो फिल्म है, ये इस बात का एग्जाम्पल भी है कि हम जब सेवन्थ एट्थ तक पढ़े, सिक्स क्लास से पहले तो हमारे घर के हालात ठीक थे, परंतु एट्थ क्लास तक आते आते हमारे घर की सिचुएशन ये थी कि कभी हमें तीन वक्त का खाना नसीब नहीं होता था. अक्सर हम जब स्कूल से आते थे तो ऐसा भी होता था कई बार बिना लंच ब्रेक में, बिना लंच किए ही हम वापस स्कूल में लौट जाते थे. और मैं 85 में 200 रुपया लेकर, इस पिक्चर में ये भी दिखाया गया है जी, दिल्ली आया था. और वो हर तरह का संघर्ष जो है वो हमें सहर्ष, हमने उसको
स्वीकार किया जी। और फिर जब वक्त बदला, रुपया पैसा आया, तो मैं एक बात तो अपने यूथ से, अपने तमाम वो लोग जी जो कभी गरीबी से अमीरी में कन्वर्ट होते हैं, उनसे ये मैं कहना चाहूँगा, मैं फिर कहूँगा क्योंकि ये मेरी कहानी है, इसलिए मुझे संकोच भी आता कहने में जी। पर क्योंकि स्टोरी आपके बीच में आ रही है, फिल्म आपके बीच में, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं जब बिल्कुल नहायत गरीब थे तो मुझे दाल पसंद थी। अच्छा। दाल, चावल और फुल्का। अच्छा। कड़ी चावल। और आज जब बहुत सारा अमीरी का सफर भी तय कर लिया, आज भी मेरा वही का वही टेस्ट है, उसमें रत्ती भर चेंज नहीं आया। क्या बात है। मेरे दोस्त जो फर्स्ट क्लास में थे आज भी मेरे साथ हैं, जो रिश्ते मेरे बचपन के थे आज भी मेरे साथ हैं, जो इस पिक्चर में मेरा सबसे फास्ट फ्रेंड है सुरेश, जो मेरा सुख दुख का साथी रहा जी। आज भी वो मेरा स्कूल चलाता है, आज भी मेरे साथ रहता है। कढ़ी चावल मेरा भी फेवरेट है। क्या तो धरती यही से जुड़े रहना चाहिए। यही वफा की कमी जो है ना जी। ये भी इस पिक्चर में पति पत्नी का संबंध, आज छोटी छोटी बात पे हमारे बच्चे जो हैं वो रूठ के बैठ जाते हैं, मैंने ससुराल नहीं जाना जी। मेरा काम खत्म जी। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि कंट्राडिक्शन, थॉट्स का कंट्राडिक्शन तो सदा से चला आ रहा है जी। कभी जब शकल दो लोगों की एक जैसी नहीं है तो डेफिनेटली सोच भी जो है, थिंकिंग प्रोसेस भी अलग अलग होगा जी, जी। हमारे माँ बाप जो आप याद करेंगे कभी तलाक का नाम भी नहीं जानते, सबको आप जैसी पत्नी भी तो नहीं मिलती ये हकीकत है, ये हकीकत है। नहीं तो लोग अपनी पत्नियों से इतना डरते हैं कितना पुलिस से नहीं डरते होंगे। पर ये इस बारे में मैं इतने साल से देख रहा हूँ, दो ढाई साल से इनका रिलेशनशिप, रियली रियली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे पति पत्नी नहीं देखे। क्या बात है। ये पिक्चर वफा का संदेश भी देगी। वाह। ये प्यार और मोहब्बत का संदेश भी देगी। और मैं जो बात कर रहा था कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बेटी बेटियों को ये भी संदेश देना चाहूँगा, मेरी दो बेटियाँ हैं जी, बिल्कुल, मैं उनको भी यही समझाता हूँ कि सोच में फर्क हर जगह है जी। जब आप अनमैरिड होते हैं मम्मी पापा के साथ भी सोच में फर्क होता है। कितने बार हम अपने मम्मी पापा से कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं जी। कभी हमने नहीं कहा कि भाई हम सदा सदा के लिए रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो देखो ये पिक्चर में सारी बात है जी। कि छोटी छोटी कंट्राडिक्शन में कभी रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, हमें अपने अच्छा जीने के लिए, एक आनंददायक जीवन जीने के लिए कुछ अच्छे रिश्तों की जरूरत रहती है। बिल्कुल। उन रिश्तों में थॉट्स के फर्क को आड़े नहीं आने देना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है। इस पिक्चर में दोस्ती की भी बड़ी मिसाल है, पति पत्नी के प्यार की भी मिसाल है। ये कंप्लीट फिल्म है जो जीवन दर्शन दिखाएगी। आपकी बातों से अभी तक जितना कुछ आपने बताया है हमें लग ही रहा है कि ये बेहद खूबसूरत फिल्म होने वाली है। इस फिल्म से हमें ना ही सिर्फ एंटरटेनमेंट, एक ताकत, एक जज्बा, एक मोटिवेशन भी मिलने वाला है। और समय ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है आप लोगों से बात करने की, और लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई और बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि आपके साथ आज बैठकर आपका इंटरव्यू कर रही हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए अपना टाइम निकाल कर, यशपाल जी आपका भी, और मैं प्रोड्यूसर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जी जी, एसपी जी कुछ कह रहे थे। 8 फरवरी को मेरा निवेदन है अपने क्या सारे युवा वर्ग से, अपने बेटे बेटियों से और सबसे, कि वो 8 फरवरी को अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाके इस पिक्चर को देखें, तभी वो ये रिजल्ट निकाल पाएंगे कि जीवन का मतलब क्या है। और अगर 8 को ना जा पाए तो 9, 10, 11, 12 को भी जा सकते हैं प्लीज। जी जी जरूर, हम पहुंचने वाले हैं 8 फरवरी को, क्योंकि कहानी मुद्दा इतना ज्यादा संजीदा है जिसे देखना बनता है। अभी तक ये कहानी नहीं आई थी लेकिन अब आई है, तो आई होप कि आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज हो हम थिएटर पहुंचे। चलिए फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।